हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। यूपी में 10 सीटों के लिए हाल के राज्यसभा चुनाव में जिस कैंडिडेट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थे बीएसपी के रामजी गौतम। यूपी के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीएसपी की भविष्य की टीम में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर रामजी गौतम के रोल को देखा जा रहा है। कौन है रामजी गौतम और कैसा रहा उनका यूपी के एक छोटे से शहर से लेकर दिल्ली तक का सफर, आइए जानते हैं। छोटे शहर से दिल्ली तक का सफर। रामजी गौतम का जन्म यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। पिता जगत नारायण गौतम जिला सहकारी बैंक में नौकरी करते थे, फिलहाल रिटायर हैं। माँ हाउसवाइफ हैं। रामजी गौतम का घर अब भी लखीमपुर के रामगढ़ मोहल्ले में है। पत्नी वर्तिका गौतम लखीमपुर के करीबी जिले सीतापुर में एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं। रामजी गौतम ने 12वीं तक की पढ़ाई लखीमपुर में की और बाद में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो लखीमपुर से बाहर गए। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि पार्टी में काम करने के दौरान उन्होंने कभी कोई बिजनेस आदि नहीं किया, पत्नी की कमाई से ही परिवार चलता रहा। इंजीनियरिंग MBA करके पॉलिटिक्स में एंट्री। इंजीनियरिंग करने के बाद रामजी गौतम ने MBA किया, जैसा 80% लोग करते हैं। नौकरी करने लगे। नौकरी के लिए पंजाब और राजस्थान भी गए। उनके साथ लंबे वक्त से जुड़े साथी बताते हैं कि उनका नौकरी में मन नहीं लगा, जैसा 90% लोगों का नहीं लगता। 1998 के आसपास वह नौकरी छोड़कर घर आ गए। इसके बाद से ही लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने लगे। लगातार उनका पार्टी मीटिंग्स में आना जाना होता रहा। पार्टी ने उन्हें सबसे पहले यूपी के बांदा जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया। पार्टी ने काम से उनके खुश होकर उन्हें दूसरे कई जिलों की जिम्मेदारी भी दी। 2015 तक उन्हें जिला लेवल की जिम्मेदारियां ही दी गई। बहुजन समाज पार्टी में उन्हें बड़ी छलांग उन्होंने तब लगाई जब 2018 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये जिम्मा मिला। जून 2019 में उन्हें BSP सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां भी दी गई। इस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में कुछ सीटों पर जीत में उनकी भूमिका भी रही। फिलहाल वह बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनावों की जिम्मेदारी बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर संभाल रहे हैं। 2019 में लगा था सीट बेचने का इल्जाम। रामजी गौतम के राजनीतिक करियर में 2019 जहां बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया, वहीं बड़े इल्जाम का सामना भी करना पड़ा। उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी दौरान BSP के कुछ नेताओं ने उन पर पैसे लेकर टिकट देने का इल्जाम लगाए। उनके साथ हाथापाई भी की गई थी। हालांकि BSP सुप्रीमो मायावती ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया और रामजी गौतम पर पूरा भरोसा जताया। साधारण स्वभाव और ईमानदारी का मिला इनाम। मायावती ने जब राज्यसभा के लिए रामजी गौतम के नाम का ऐलान किया तो लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। मायावती ने इसे ईमानदारी और मेहनत का इनाम बताया। पार्टी से जुड़े नेताओं का दावा है कि फिलहाल रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी में मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। लोगों को लगता है कि आकाश जब भी पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे, रामजी गौतम को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी बात लिखी, रिसर्च की, मेहनत की हमारे साथी अमित जी ने, और कैमरे के पीछे हैं हमारे दूसरे साथी राशिद। मैं आशीष आपसे विदा लूँगा इस वीडियो में, इतना ही। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारा फेसबुक का पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लल्लन टॉप का एंड्रॉयड ऐप भी आप इंस्टॉल कीजिए। मैं चला, धन्यवाद। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे दी लल्लन टॉप पर।